हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेंज ऑफ हियरिंग एंड अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे, दैट इज साउंड। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 11। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था साउंड और साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और ईगो क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और साउंड वेव ये सब जितना भी है ये सारा टॉपिक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 8, 9, 10 एंड 11, इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को चैप्टर 8, 9 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो हर एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे दैट इज रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग कितना रेंज तक सुन सकते हैं। मतलब कोई भी, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो तो उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, कितना से कितना तक हम लोग सुन सकते हैं और कितना ज्यादा हम लोग दैट इज सुन नहीं सकते, कितना हम लोग का हाइएस्ट लिमिट है और लोएस्ट लिमिट है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो रेंज ऑफ हियरिंग है ह्यूमन बींग का वो देख दो कैटेगरी में डिवाइडेड। पहला एडल्ट पर्सन, जैसे कि हम लोग, ठीक है, एडल्ट पर्सन सुन सकता है दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हुआ फ्रीक्वेंसी, अगर कोई धीरे बोला, अगर उसका फ्रीक्वेंसी साउंड का फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हुआ तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वेल्स जो पानी में रहते हैं और डायनासोर रहते हैं, जो राइनो और वेल्स ये सब जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का उन लोग का कम्युनिकेशन हम लोग को अच्छे से सुनाई नहीं देता है वो लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और इवन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आते समय वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, इसीलिए हम लोग को पहले पता नहीं चलता है अर्थक्वेक आने से पहले। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी दैट इज अर्थक्वेक आने वाला है। क्यों? बिकॉज वो लोग जो 20 हर्ट्ज से कम सुनते हैं, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो लोग आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का लिमिट कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तभी हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, या 20 हर्ट्ज हुआ तो। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया तो आपका जो ईयर का ड्रम है वो फट सकता है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है, नहीं तो आपका ईयर का ड्रम फट सकता है, ठीक है। फिर अभी बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया एडल्ट का, लेकिन अब बात करते हैं चिल्ड्रेन का। अगर चिल्ड्रेन लेस देन 5 इयर्स हो, ठीक है, 5 साल का कम इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उनका जो ईयरिंग ईयर का जो कैपेसिटी होता है सुनने का वो 25,000 होता है। लेकिन जैसे ही 5 क्रॉस करते हैं, 5 इयर्स या 5 से ज्यादा होता है तो उनका लिमिट घट जाता है, कितना हो जाता है 20,000, ठीक है। तो वो लोग इतना 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं बिलो 5 इयर्स, ठीक है। और एडल्ट पर्सन कितना होता है हियरिंग कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए तभी वो सुन सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं साउंड। साउंड यहाँ पे साउंड जो निकलता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ऑडिबल साउंड, एक होता है इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड उसको बोलते हैं जो हम लोग सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है। साउंड विच वी कैन हियर,
जो हम लोग सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और साउंड की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑडिबल साउंड। तो अगर आप लोग का एग्जाम में आए तो लिख देना आप लोग ऑडिबल साउंड, उसको बोलते हैं साउंड विच वी कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, एंड इन ऑडिबल साउंड किसको बोलेंगे, साउंड विच वी कैनॉट हियर, ठीक है। जो हम लोग सुन नहीं सकते उसको बोलते हैं हम लोग इन ऑडिबल साउंड, ठीक है। और वो हम लोग कौन सा साउंड नहीं सुन सकते, जब साउंड क्या हो लेस देन 20 हर्ट्ज, जब साउंड का फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो वो साउंड हम लोग सुन नहीं सकते। लेकिन राइनो अदर्स एनिमल दैट इज लाइक राइनो, ठीक है, राइनो और वी कैन से लाइक बैट, ठीक है, और वी कैन से लाइक एलिफेंट और वी कैन से व्हेल, ये जो तीनों एनिमल्स है ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर देन 20,000, अगर मोर देन 20,000 हर्ट्ज हुआ तो भी हम लोग उसको सुन नहीं सकते, हम लोग का ईयर का ड्रम फट सकता है, कान से ब्लड निकल सकता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो 20,000 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, इन दोनों का बीच में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड है, वो साउंड का फ्रीक्वेंसी, वो साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो लेस देन 20 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना हो लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मैंने 3 नोट लिखा है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये आप लोग का एग्जाम में भी पूछ सकता है। पहला, ह्यूमन बींग कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज है, अगर 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो ह्यूमन बींग उसको सुन नहीं सकता, तो इसलिए इंफ्रासोनिक साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, सम एनिमल्स कैन कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड, कुछ कुछ एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं दैट इज इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू, ठीक है, लाइक राइनोसोर, व्हेल्स, एलिफेंट, ये सब क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से थ्रू इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और एक नोट है जो आपको याद रखना है, दिस लो फ्रीक्वेंसी साउंड अलर्ट दिस एनिमल, जब यहाँ पे और एक चीज होगा अर्थवेव, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आते ही वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है कौन सा प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो वो जो इंफ्रासोनिक साउंड है कुछ कुछ एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, वो अलर्ट कर देता है, दिस लो फ्रीक्वेंसी साउंड अलर्ट दिस एनिमल, कुछ ये सब एनिमल्स को अलर्ट कर देते थे कि क्या आ रहा है, दैट इज अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ दैट इज रेंज ऑफ हियरिंग एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंडिंग रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दैट इज अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इंफ्रासाउंड समझाया था, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं जिसका साउंड का फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन हम लोग अल्ट्रासाउंड उसे कहते हैं जिसका साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या हो हायर देन 20,000 हर्ट्ज, अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है साउंड का फ्रीक्वेंसी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब ये कौन कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये जो अल्ट्रासाउंड है या बोल सकते हैं इसको अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ये साउंड का फ्रीक्वेंसी ये कौन कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, इट इज प्रोड्यूस बाय सर्टेन एनिमल्स लाइक मोर, बेट, रेट, तो जो रेट, बेट और मोर होता है, ठीक है, ये सभी क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड का निकाल पाते हैं कौन, दैट इज मोर, बेट और रे, ठीक है। फिर एनिमल सच इज डॉग, बेट,
डॉल्फिन कैन हेयर अल्ट्रासाउंड। अब इतना ज्यादा हम लोग जानते हैं, हम लोग का रेंज कितना था ह्यूमन रेंज, दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ फ्रीक्वेंसी तो हम लोग का ईयर का ड्रम फट सकता है। ठीक है, तो हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला साउंड कौन सा एनिमल सुन सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, दैट इज डॉग, बैट, डॉल्फिन। ये तीनों दैट इज एनिमल जो है ये 20,000 से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बैट है, बैट क्या करता है, ये जो साउंड है दैट इज अल्ट्रासाउंड, ये इसका हेल्प से वो क्या करता है, बैट मूव करता है रात में। ठीक है, बैट जो चमगादड़ होते हैं जो रात में निकलते हैं, वो बैट क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड से वो क्या करता है, दैट इज मूव करता है। ठीक है, और मूव करते करते वो जितना भी प्रे होता है उसका खाना जो होता है वो उसी से कैप्चर करता है, इससे दैट इज अल्ट्रासाउंड से बैट क्या करता है, दैट इज खाना को अपना कैप्चर करता है। ठीक है, तो बैट यहाँ पे दो काम करता है वो अल्ट्रासाउंड, पहला तो मूव करता है आगे जाने के लिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए उसको, दूसरा मूव करने के लिए, और दूसरा है दैट इज खाना के लिए, खाना को दैट इज कैप्चर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का हेल्प है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल था जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अल्ट्रासाउंड के अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो दैट इज आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट इज लेक्चर 11 में दैट इज रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग और अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं दैट इज और इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज लेक्चर 12 में दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।